चारों ओर देखे। यीशु मसीह के चेले पूछते हैं, प्रभु आपके आने का क्या चिन्ह होगा? यीशु मसीह कहते हैं, जाति पर जाति, राज पर राज चढ़ाई करेगी, मतलब युद्ध होगी। यूक्रेन रूस देश में युद्ध हुई, अभी इसराइल और हमास के बीच युद्ध हो रही है, जगह जगह भूकंप होगी। टर्की सीरिया में भूकंप आई थी, अभी अफगानिस्तान में महामारी कोरोना आई थी, कितने सारे लोग मारे गए, जगह जगह अकाल, आकाश से भयंकर बातें, जमीन दोज, बादल फटना, ये सारी चीजें दिखाते हैं कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। यीशु मसीह जल्द आने वाला है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है कि हम खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार करें। आज हमारी जीवन कैसी है? बाइबल कहती है, सावधान रहो कि तुम्हारा मन खुमार न हो जाए, मतलब किसी चीज को ज्यादा चाहना, पैसा, गाड़ी, बंगला, शोहरत, पोजीशन, पावर, सांसारिक चीज, मतवालापन, कहीं पी के तो पड़े नहीं है, कहीं जीवन की चिंता में सुस्त तो नहीं है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे शादी करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर ऐसे ही जीवेंगे तो एक दिन यीशु मसीह अचानक इस दुनिया में आ जाए, संभलने का भी मौका नहीं मिलेगी। इसीलिए बाइबल कहती है, जागते रहो, शारीरिक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में। क्या आज हमारा यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप है? क्या प्रार्थना बाइबल स्टडी का जीवन है? हमारे जीवन में परमेश्वर है? क्या हमारे जीवन से परमेश्वर को आदर मिलती है? क्या हमारा जीवन परमेश्वर का पीछा करती है? क्या हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढती है? क्या हमारा जीवन परमेश्वर की सेवा करती है? यदि ये सारी चीजें हमारे जीवन में होगी तो एक दिन हम परमेश्वर के सामने आदर के साथ खड़े होने के योग्य ठहरेंगे।